Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 74 जिंदगियां निकल लीं। एक ही दिन में वायरस से 1563 नए मरीजों की तशखीस। वज़ीर आज़म की पीटी अरकान और इत्तेहादी को बेफिक्री की थपकी। इमरान खान कहते हैं पीडीएम अमली तौर पर नाकारा हो चुकी है, हज़्ब इख्तलाफ हमारे लिए अब कोई मसला नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म हाउस और पाकिस्तान पर कब्जा करने वाले सबसे बड़े माफिया हैं। मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत अपनी हरकतों की वजह से मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। जिंदा दिलाने लाहौर की सकाफत जर्मन सफीर के दिल में घर कर गई। जर्मन सफीर ने सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ मुकामात की तस्वीर शेयर कर दी। वजारत सेहत सिंध ने सूबे में 14 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए। तरबियत याफ्ता अमला और सामान की तरसील भी यकीनी बना दी गई। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर आला क्लीन क्वालिटी 75% फूड ग्रेड अल्कोहल नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699 फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा 905-956-6699। कोरोना वबा से 74 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 11,450 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,37,477 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,563 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,55,214, सिंध में 2,42,793, खैबर पख्तूनख्वा में 65,953, बलोचिस्तान में 18,765, गिलगित बल्तिस्तान में 4,903, इस्लामाबाद में 40,972, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,877 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 70,64,114 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,285 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,92,207 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,165 मरीजों की हालत तशवीश है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 74 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 11,450 हो गई। पंजाब में 4,646, सिंध में 3,925, खैबर पख्तूनख्वा में 1,857, इस्लामाबाद में 469, बलोचिस्तान में 193, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 258 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हुक्मरान जमात के अरकान और इत्तेहादी जमातों को इत्मीनान और तसल्ली की थपकी देते हुए कहा कि फिक्रमंद होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कारकर्दगी पर गामजन रहें। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुक्मरान जमात के अरकान और इत्तेहादी जमातों को इत्मीनान और तसल्ली की थपकी देते हुए कहा है कि फिक्रमंद होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कारकर्दगी पर गामजन रहें। पीडीएम अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने जलसों पर पूरा जोर लगाकर देख लिया, आवाम ने उनको यकसर मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान का कहना था कि ओपोजिशन इलेक्शन कमीशन में हमें फंसाना चाहती थी, लेकिन वो खुद फंस चुकी है। अब हमें ओपोजिशन से मरूब होने की ज़रूरत नहीं है, ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए बना दिया गया है। ब्रॉडशीट के अलावा सिरे महल और हुदैबिया पेपर मिल्स केस की भी अब मुकम्मल तहकीकात होंगी। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि अरकान तमाम लोग मिलकर एहसास प्रोग्राम पर पूरा जोर लगाएं, अरकान पार्लियामेंट शेल्टर होम्स के दौरे करें, गरीबों को सहूलियात फराहम करें, गरीब का एहसास करेंगे तो बाकी मामलात भी ठीक होंगे। कबल अजीम वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत
हुकूमती इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम हुकूमती फैसलों से मुतालिक पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। इजलास में अरकान असेंबली ने बढ़ते हुए कर्जों से मुतालिक सवालात किए, जिस पर मुशीर खजाना हफीज शेख ने कर्जों से मुतालिक तफसीलात से भी आगाह किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश का हिस्सा रहे हैं। बेहतर होगा कि वो कमीशन की सरबराही से माजरत करें। ये ब्रॉडशीट नहीं फ्रॉड शीट है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इमरान खान है वो पर्सनली बैठ के इस सारे ऑपरेशन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि पीडीएम में दरारें डालने की हुकूमती ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकेगी। हुकूमत ने तमाम हथकंडे आजमा लिए। लॉन्ग मार्च पर मुकम्मल इत्तेफाक की राय मौजूद है। हुकूमती नाअहली और नालायकी से पाकिस्तान को रुसवाई का सामना है। मेरी हमदर्दियाँ ब्यूरोक्रेसी के साथ हैं। मरियम नवाज ने खोखर बरादरान के हमरा ज़राइबला क़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खोखर बरादरान के साथ ज्यादती की गई। सबसे बड़ा कब्जा माफिया मौजूदा हुकूमत है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और पाकिस्तान पर कब्जा करने वाले सबसे बड़े माफिया हैं। इलेक्शन में डाका डालने वालों से बड़ा कब्जा माफिया कौन होगा? हुकूमत की करप्शन के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। एक दिन तो आएगा जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मरियम नवाज का कहना था कि खोखर बरादरान के घरों पर आधी रात को धावा बोला गया। इमरान खान खोखर पैलेस के खिलाफ ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। खोखर बरादरान के हक में अदालत का फैसला आ गया। हम 4 साल से जुल्म बर्दाश्त करते आ रहे हैं। नवाज शरीफ का साथ ना छोड़ने वालों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो जो स्टैंडर्ड्स ये खुद आज सेट कर रहे हैं, हमने तो बर्दाश्त कर लिए। हमारी अल्लाह के फजल करम से 4 साल की जबर के बावजूद, जुल्म के बावजूद, इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून स्टैंड्स यूनाइटेड। अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ के बयानिए पर उन्होंने लबैक कहा और अपनी वफादारियां तब्दील करने से इनकार कर दिया। लीग की रहनुमा का ये भी कहना था कि जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश का हिस्सा रहे हैं। बेहतर है वो कमीशन की सरबराही से माजरत कर ले। ये ब्रॉडशीट नहीं फ्रॉड शीट है। पीडीएम में दरारें डालने की हुकूमती ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। हुकूमत को राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि ये नून लीग के बजाय अपनी पार्टी पर तवज्जो दें। आइंदा इलेक्शन में कोई भी पीटीआई के टिकट देने को तैयार नहीं होगा। नून लीग आज भी पूरी आबोताब के साथ खड़ी है। पीटीआई वन मैन शो पार्टी है। हुकूमत ने तमाम हथकंडे आजमा लिए, उन्हें कुछ न मिला। पीडीएम में हर जमात का अपना मंशूर और एजेंडा है। पीडीएम एक इत्तेहाद है। हुकूमत की उम्मीद दम तोड़ती नजर आती है। इमरान खान है वो पर्सनली। पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफीर ने कहा है कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में पहली बार खताई और आलू नान खाने का मौका मिला। दोनों बहुत जायकेदार थीं। उम्मीद है मजीद खूबसूरत मुकामात की सैर का मौका मिलेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिंदा दलान लाहौर की सकाफत जर्मन सफीर को भाग गई। पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफीर ब्रेंट हार्ट सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की सकाफत के दीवाने हो गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जर्मन सफीर ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से मुतासिर होकर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरें शेयर करने के बाद जर्मन सफीर ने कैप्शन में तहरीर किया कि लाहौर का अंदरून शहर और इसकी तारीखी सकाफत देख कर बहुत अच्छा लगा और मुग़ल दौरों की अजीम शान वजीर खान मस्जिद की खूबसूरती से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। बर्न हार्ट ने मजीद लिखा कि लाहौर में पहली मरतबा खताई और आलू नान खाने का मौका मिला। दोनों नहायत लजीज और जायकेदार थीं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लाहौर में आइंदा मजीद खूबसूरत मकामात की सैर का मौका मिलेगा। वज़ारत सेहत सिंध ने इब्तदाई तौर पर वैक्सीन खरीदारी के लिए 1.5 अरब रुपए मख्तस कर दिए हैं। आइंदा माह के शुरू में वैक्सीन मिलने का इम्कान है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत के मुताबिक वजारत सेहत सिंध ने सूबे में 14 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए। वैक्सीन के लिए कराची में 9 और दीगर 5 शहरों में 1-1 सेंटर्स का क्याम अमल में लाया गया है। वजारत सेहत सिंध के मुताबिक कराची के जिला वस्ती शिरकी में 2-2, कौरंगी मलीर गरबी में 1-1 सेंटर कायम किया गया है। सखर लाड़काना नवाबशाह मीरपुर खास हैदराबाद में भी 1-1 सेंटर बनाया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर्स में तरबियत याफ्ता अमला और सामान पहुंचा दिया गया। महकमा सेहत सिंध की जानिब से चीनी बरतानवी और रूसी कंपनियों से वैक्सीन के लिए रابطے किए जा रहे हैं। वजारत सेहत सिंध ने इब्तदाई तौर पर वैक्सीन खरीदारी के लिए
1.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। आइंदा माह के शुरू में वैक्सीन मिलने का इम्कान है। पहले मरहले में सिंध के 1,25,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।